उतरो उतरो उतरो, लास्ट स्टॉप है, चलो चलो, चला चला, लास्ट स्टॉप है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ओ ताई उठो, लास्ट स्टॉप आ गया। लोग खाली सोने के लिए आते हैं बस में। चलो ताई, बस आगे नहीं जाएगी। नमस्कार, आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन कई बार इंसान हैवानियत के मामले में जानवरों को भी पीछे छोड़ देता है। बॉडी की पहचान नहीं हुई है। इसके साथ और कोई नहीं था? नहीं सर, ये कंडक्टर है। साहब, ये बस तो सूरत से चली थी। ये औरत कौन सी स्टॉप से चढ़ी, ध्यान नहीं दिया मैंने। इसके साथ कोई था? पता नहीं साहब, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके लगेज में इसकी कोई आइडेंटिटी थी? नहीं सर, इसके पास कोई लगेज ही नहीं था। कमाल है शरीफ, एक औरत मुंबई में आने वाली बस में चढ़ती है और उसके साथ लगेज नहीं। सर, मुझे लगता है कि हार्ट अटैक हुआ होगा। नहीं शिरके, इसका गला दबा के मारा गया है। देखो मार्क, और ये टिकट औरत के आंचल में बंधा हुआ था। ये दाबेली को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और सारे पुलिस स्टेशन में इसका फोटो सर्कुलेट कर दो, और देखो आज के दिन में कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या। आखिर ये औरत है कौन? हाँ अली, क्या हुआ, कुछ काम मिला? नहीं मिला। तुझे मिला कुछ? नहीं, मुझे भी नहीं मिला। पर तुझे ऐसे कैसे बिना कुछ बोले फैक्ट्री से निकाल दिया? क्या करेंगे अब, हर जगह कॉस्ट कटिंग चल रहा है, मंदी चल रही, तो सबको काम से निकाला जा रहा है। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ताई, ये थे कैसे निकलती है तेरी बहन घर से? कुछ बोलती क्यों नहीं उसको? छोड़ना उसको। क्या छोड़ना, कैसा दिखता है वो लिपस्टिक? बाबा आप आ गए, आप मोबाइल नहीं है? नहीं, ले आऊंगा, अगली बार ले आऊंगा, टेंशन मत ले तू। कोई मोबाइल वाला नहीं मिलेगा, समझा? जा जाके पढ़ाई कर। बाबा, नया लाने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, सेकेंड हैंड ही ला दो, 1000-1200 तक आ जाएगा। पैसे का टेंशन क्यों ले रहे हो? पैसे के बारे में मत सोच, मोबाइल चाहिए ना तेरे को, मिल जाएगा, मैं ला दूंगा तेरे को मोबाइल। सूरज, अच्छे से पढ़ा। पढ़ तो रहा हूं ना आई। तो मेरी बात समझ रहा है ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन कोई झोल नहीं ना, पैसा टाइम पे देगा ना वो। हाँ, काम कर तू, अभी निकल, बाद में बात करो। सोचना पैसे चाहिए कि नहीं। ठीक, चल। क्या बात कर रहे थे प्रदीप से? हैं? मैंने बताया था ना वो अच्छा आदमी नहीं है। चल चल, खाना लगा जल्दी। सर, मैंने उस अनआइडेंटिफाई औरत के बारे में यहाँ मुंबई में, बट कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। सूरत में? सूरत पुलिस को कहा है सर पता करने के लिए। वैसे सूरत से मुंबई आने वाले रूट पे मैंने कई सारे बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, बट वो औरत कहीं नजर नहीं आई। शिरके, शायद जिस बस स्टैंड पे बस में चढ़ी होगी वहाँ सीसीटीवी नहीं होगा। हो सकता है सर। तुम्हें अजीब नहीं लगता शिरके, लाश के पास उसका कोई लगेज नहीं मिला? सर अजीब तो है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिसने उस औरत का मर्डर किया वो उसका लगेज लेकर चला गया। मुझे लगता है इसका पता हमें सूरत से ही लगेगा। सूरत? मैं सूरत कैसे जा सकती हूँ? नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, मैं सूरत नहीं जाऊंगी। अरे तो हम क्या करेंगे फिर? मैं क्या फांसी लगा लूँ क्या? घर की हालत कैसी हो तो जानती है तू। अरे अच्छा खासा चल के काम आ रहा है सूरत से, तो मना कर रही है अभी। अरे मैं खुद भी चला जाता हूँ हाँ, लेकिन उनकी 12 साल की बेटी है, उसे संभालने के लिए उन्हें औरत ही चाहिए। पर ये सूरज, हाँ, इसकी देखभाल कौन करेगा? और तुझे कौन संभालेगा यहाँ? अरे तो इसे ले जाना अपने साथ सूरत, वहीं के किसी स्कूल में इसका दाखिला करा देना और घर ये संभाल लेगी यहाँ। क्यों? पर बाबा मुझे सूरत नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। अरे तो मैं कौन सा दूर जा रहा हूँ, तेरे से मिलने आता रहूंगा मैं क्या इसकी नौकरानी हूँ जिसकी खिदमत करती बैठी रहूंगी? बस मुझे किसी की बकवास नहीं सुननी अभी। चलो सामान भरो, कल सुबह निकलना है। हाँ मानी या नहीं मानी? हाँ तू टेंशन मत ले, मान जाएगी। चल ठीक है। सारा काम देखने का, खाना पकाने से लेकर परी की देखभाल तक, ठीक है? जी साहब, काम करनी तो सूरत आई हूँ। ठीक है, किचन उस तरफ। तेरा दाखिला ना यहीं करा देंगे, चल। कितना सुंदर घर है और कितना बड़ा भी है, देख। इधर आ। हाँ हेलो। जय श्री कृष्ण। मेरे काम का कुछ हुआ? अरे बड़ी मुश्किल से तो मुझे मिली है। आज थोड़ा टाइम दीजिए, करता हूँ कुछ। सर, उस औरत की पीएम रिपोर्ट आ गई है। आपका शक सही था सर, उसे गला दबाकर मारा गया, शायद उसी स्टॉल से जो हमें उसकी बॉडी पर मिला था। और सर रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि वो 1 महीने प्रेग्नेंट थी, उसने लास्ट फूड दाबेली खाया था। तो स्पॉट पे हमें जो आधी दाबेली मिली तो उसी ने खाई थी? नहीं सर, वो दाबेली नॉर्मल थी। नहीं, ऐसा कैसा होगा शिरकी? वो माँ बनने वाली थी, ऐसी हालत में कोई नशा क्यों करेगा? ठीक तो है ना? हाँ खाना खाया तूने? हाँ आ जाऊंगी, लेकिन अभी ना तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। चल रखती हूँ। तुम आई लोग बिना गाली बच्चे की फिक्र करती है। तूने खीर खाई? नहीं। तो मैं देता हूँ। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं देता हूँ ना तेरे गुरु। अरे खा ले, अच्छी बनी है, खा ले। अच्छी है ना? कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपने घर परिवार से दूर नहीं रहता है। पेट की आग, गरीबी, अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। गायत्री भी अपने बेटे और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए अपने पति मनोहर और अपने घर से दूर सूरत गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपने परिवार की उलझने सुलझा पाती, किसी ने उसकी सांसें छीन ली। गायत्री मर चुकी थी, लेकिन पुलिस को अभी तक उसका नाम भी पता नहीं चला था और ना ही ये पता था कि इस केस के जरिए उन्हें इंसानी चेहरों के पीछे छिपी कितनी कड़वी सच्चाई दिखने वाली थी। चिरके, कुछ पता चला? सर न्यूज़पेपर में उस औरत की फोटो सर्कुलेट करा दी, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली। साहब ये मेरी बीवी गायत्री जैसी लग रही है साहब। आपकी पत्नी इतने दिनों से गायब थी, आपको पता नहीं था? नहीं पता था साहब, वो तो सूरत में थी ना। सूरत में क्या कर रही थी? वो सूरत में काम वाली बाई का काम करती थी और 1 महीने से हमारी बातचीत भी नहीं हो रही थी और उसकी तनख्वाह के पैसे बराबर से मिल रहे थे अभी तक, इसलिए मुझे लगा कि वो ठीक ही होगी। कमाल है, वो माँ बनने वाली थी, एक महीने की प्रेग्नेंट थी, आपको उसकी कोई चिंता नहीं थी। साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं साहब, 2 महीने से तो मैं उसके मिला भी नहीं, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है साहब? आपसे जरूर कोई गलती हुई है साहब। मेडिकल रिपोर्ट है हमारे पास, हमसे कोई गलती नहीं हुई। हो सकता है आपकी बीवी किसी और के साथ। नहीं नहीं साहब ये नहीं हो सकता साहब, मेरी गायत्री ऐसी बिल्कुल नहीं थी साहब, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे बेटे सूरज में तो उसकी जान बसती थी साहब, वो इतना बड़ा धोखा हम लोगों को नहीं दे सकती साहब। साहब वो सुनील, उस सुनील ने जरूर मेरे बीवी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया, उसको मार डाला है साहब, आप उसको सजा दीजिए। सुनील कहाँ रहता है ये? वो तो नहीं जानता साहब, लेकिन इतना जरूर जानता हो कि वो सूरत का रहने वाला और वो प्रदीप उसका काम लेके मेरे पास आया था। प्रदीप साहब मेरे को इस लफड़े से कोई लेना देना नहीं। अरे जिस औरत को तूने भेजा था उसका मर्डर हुआ और तू बोलता है लेना देना नहीं? देवा शरफत साहब मेरे को कुछ नहीं पता, तो मनोहर के पास कोई काम नहीं था और गायत्री भी काम ढूंढ रही थी, तभी मेरे को सुनील साहब का फोन आया, उनको 24 घंटे के लिए नौकरानी चाहिए। सुनील साहब कहाँ रहता है सूरत में तेरा सुनील साहब? सूरज चल ना खेलने चलते। हाँ सूरज चल ना खेलने चलते। नहीं मेरा मन नहीं है। बाबा बाबा अब किधर थे बाबा? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था, मुझे आपके साथ जाना है। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? मैं ठीक हूँ बाबा, पर आप मुझे अपने साथ ले चलो और आई को भी ले लो। हाँ बेटा मैं तुझे भी ले चलूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा। क्या किया तुम लोगों ने गायत्री के साथ? क्या करें छोड़ रहा। ये कौन है? ये मेरी साली है साहब, कंचन। साली ये यहाँ क्या कर रही है? ये इधर ही रहती थी गायत्री के साथ। क्या हो क्या रहे हैं आप लोग? सर तू सुनील? हाँ मैं सुनील हूँ। तेरे घर की मेड गायत्री, उसका मर्डर हुआ है। सर गायत्री यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रही थी, फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बहन कंचन को यहाँ लेकर आई थी। सांबी मेरी छोटी बहन है, अब जवान लड़की को घर पे अकेला कैसे छोड़ती, इसलिए यहाँ ले आई। साहब जब तक इसे कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक क्या ये यहाँ रह सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। गायत्री तुम पूरे घर को इतनी अच्छी तरह संभालती हो, परी का ख्याल रखती हो, उसे माँ का प्यार देती हो, तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ ना मैं। बिल्कुल रह सकती है। ठीक है 1 मिनट। हाँ सर बोलिए। सुन जब तक यहाँ है काम में हाथ बटाना समझी। गायत्री वापस मुंबई क्यों जा रही थी? मुझे नहीं मालूम सर। कमाल है, वो तुम्हारे घर में काम करती थी और तुम्हें नहीं मालूम? एक्चुअली पिछले 1.5 महीने से वो हरीश भाई के घर में काम करती थी। कौन हरीश भाई? लीजिए ना ये हरीश भाई हैं और ये कुमुद भाभी। कुमुद भाभी माँ बनने वाली है तो उन्हें फुल टाइम मेड की जरूरत है। हाँ ये अनमोल किसी काम का नहीं है, हमारे गांव का है, बस घर के काम में हाथ बटा देता है, लेकिन कुमुद की जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। हाँ हाँ साहब ये है ना मेरी छोटी बहन कंचन, घर का सारा काम जानती है, ये सब कुछ संभाल लेगी। आप लोग इससे बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। सुनील हमें कंचन नहीं गायत्री चाहिए। अच्छा तो तुमने तुम्हारे घर से उसको हरीश के घर में भेजा? हाँ सर वो गायत्री को वो लोग अपने घर ले गए थे काम करवाने के लिए, फिर बाद में गायत्री कंचन को यहाँ छोड़कर गई थी। अब सूरज भी यहीं रहता है सर। ये सब कुछ कंचनबाजी की वजह से हुआ है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो सूरज? क्योंकि पासी ने सुनील अंकल को फंसाया था। ना ही वो सुनील अंकल को फंसाती और ना ही मुझे छोड़ के कहीं और काम करने जाती। सुरेश तो ये कैसी बातें कर रहा है, मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। बाबा, मुझे आपके साथ जाना है। जाएंगे। जब तक मैं तुम लोगों को अंदर ना करवा दूं, तब तक मैं सूरत से बाहर नहीं जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं 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 सर, वो बहुत ही सीधी औरत थी सर। ये तुम्हारा हरीश भाई, इसका फोन नंबर और एड्रेस दो। 98205। सर ये नंबर तो बंद है, एड्रेस बताओ। सर अंदर वाले दरवाजे पे भी ताला लगा है। शिरके, ये हरीश का पता करो, इसका फुट ट्रेस पे डालो। ठीक है सर। तुम्हारे खबरी को एक्टिवेट करो। सूरज, खाना लाया बेटा, चल खा ले पहले। मुझे परी से बात करनी है। हेलो। हेलो परी। सूरज तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोल। हेलो हेलो परी। सर यहाँ सूरत में सुनील, कंचन, गायत्री और हरीश, इनके कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई है, और मुंबई से मनोहर के। सर ये गायत्री और हरीश, इनका फोन पिछले 1 महीने से बंद है। सुनील के फोन में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन ये मनोहर हमें घुमा रहा है सर। मतलब सर अगर मनोहर के कॉल लोकेशन की माने तो जिस दिन गायत्री का मर्डर हुआ, मनोहर की लोकेशन सूरत की थी, सूरत में सुनील के घर के पास। और सर इतना ही नहीं, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ और नेक्स्ट डे मुंबई में ऑन हुआ। ये मनोहर सूरत में क्या कर रहा था, और उसने ये बात हमसे छुपाई क्यों? हाँ साहब मैं सूरत आया था, लेकिन साहब मैं क्या करता, मैं सबको कब से बोल रहा था कि एक बार गायत्री से मेरी बात करा दो, लेकिन कोई बात ही नहीं करा रहा था साहब। हेलो हेलो कंचन, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाती रे? गायत्री किधर है? मेरी उससे बात करा जा रहा। ताई को तुझसे कोई बात नहीं करनी है। सुनील का एड्रेस पता नहीं था तेरे को? नहीं साहब। प्रदीप ने नहीं बताया? साहब प्रदीप से कोई बात ही नहीं हो पा रही थी, और गायत्री का कहीं पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए मैं उसे ढूंढने यहाँ आ गया था। और यहाँ आके फोन स्विच ऑफ कर दिया? नहीं साहब फोन बंद नहीं किया, मेरा बैटरी खराब हो गया था फोन का साहब। उस दिन मैं सारा दिन उसका फोटो ले लेके सबको दिखा रहा था, गायत्री को ढूंढ रहा था साहब, लेकिन जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला तो फिर अगले दिन मैं मुंबई वापस आ गया। क्यों? कंचन से एड्रेस नहीं पूछा तुमने? साहब वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। क्यों नहीं बताया कि वो गायत्री का एड्रेस? वो घटिया आदमी है साहब, मुझे बार बार फोन करता लेकिन सिर्फ गंदी बात करने के लिए। मैं कह रही हूँ साहब उसी ने कुछ किया है। जब ताई सुनील साहब के यहाँ काम करने गई थी, उसने तो मेरे ऊपर हाथ भी डाला था, तभी तो ताई गुस्सा हुई थी। गायत्री अरे रुक ना, मेरी बात तो सुन। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती गायत्री? अरे मैंने कुछ नहीं किया। क्या करना बाकी रह गया? ये मेरी छोटी बहन है और तू इस पे हाथ डाल रहा था। बस सूरत में तेरे बारे में सोच के मैं मरी जा रही थी, कितना भरोसा किया तुझ पे, और तू ये से नोच रहा था। अरे लाल नहीं बाटली तुझा। अरे गायत्री मैंने कुछ नहीं किया, सुनो तो। तभी तो ताई मुझे सूरत लेके गई थी सुनील साहब के पास। साहब मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया साहब, वो झूठ बोल रही है। उसने गायत्री से भी झूठ बोला है, उसको जो रंगे हाथ पकड़ लिया था मैंने इसके वजह से। धंधेवाले का घर समझ के रखा है। उसके बाद मैंने कंचन का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था साहब, और इसीलिए उसने अपनी बहन के पास जाकर ये सब झूठी कहानी बताई ताकि उसे आजादी मिले। साहब मेरा और गायत्री का कोई कभी झगड़ा नहीं था साहब, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। ये पैसों की जरूरत मुझे नहीं होती तो मैं उसे काम करने के लिए सूरत तक कभी नहीं भेजता साहब, कभी नहीं भेजता। कितने पैसे मिले थे? 5000 महीना मिलता था साहब। झूठ बोल रहा है साहब वो, उसने 1 लाख रुपए लिए थे ताई के, और 5000 महीने का वो अलग। उसे बस पैसों से प्यार था। तूने 1 लाख रुपए में गायत्री को सुनील के पास बेचा, फिर सुनील ने 15 दिन के अंदर उसको हरीश को बेचा। सुनील ने भी पैसे लिए ना हरीश से? साहब आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? साहब मैंने गायत्री को नहीं बेचा साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बेचा। और वो 1 लाख रुपया भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे ऊपर बड़ा कर्ज था और मैं वो सारा पैसा वापस करने वाला था साहब। तो गायत्री से गुस्सा था ना, तुझे थप्पड़ मारी थी ना उसने, और इसलिए तूने उसको बेच दिया। या ऐसा तो नहीं कि तेरे को पता चला था वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली, तूने उसको मार दिया? नहीं साहब मैंने गायत्री को नहीं मारा साहब। हिरेन सर जब तक सच नहीं बताता ना मेहमान नवाजी करो इसकी। चल 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 शिरके, ये मनोहर ने 1 लाख रुपए में गायत्री को बेचा सुनील को और बाद में सुनील ने 15 दिन के अंदर उसको बेचा हरीश को। मुझे पक्का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लगता है। सर मैंने सुनील, हरीश और मनोहर की बैंक डिटेल चेक की है। सर सुनील ने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले और नेक्स्ट डे मनोहर के अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा हुए। कुछ दिनों बाद सुनील के अकाउंट में 4 लाख रुपए डिपॉजिट हुए और ठीक उसी दिन हरीश के अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले गए। शिरके मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही मामला है। गायत्री ने बस से भागने की कोशिश की, उसको मार दिया। सर भले ही ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है लेकिन मुझे इस मनोहर के ऊपर ही शक है। सर आई एम श्योर इस मनोहर ने ही गायत्री को मारा है। हरीश भी हो सकता है, वो गायब है। एक काम करो शिरके, हरीश के बैंक में जाओ और पता करो कि दूसरे नंबर से वो ट्रांजैक्शन कर रहा है क्या। अगर ऐसा है तो उसका दूसरा पता वहां अपडेट होगा। और वो सुनील, उसको कल सवेरे बुला। ठीक है सर। सर मैंने कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं किया था। देखिए मनोहर को पैसे की जरूरत थी तो एज ए सिक्योरिटी अमाउंट मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए, मंथली सैलरी भी दे रहा था उसे। और जब हरीश ने मुझे बेड के बदले 4 लाख ऑफर किए तो मैं ले लिया उसे। सर 1 लाख तो मैं मनोहर को दे चुका था और गायत्री का बेटा मेरे पास ही रह रहा था, तो थोड़े प्रॉफिट के लिए मैं अगर गायत्री को हरीश के पास भेजा भी तो इसमें क्या गलत किया मैंने? इसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते गधे। गायत्री एक औरत थी, भेड़ बकरी नहीं थी बेचने के लिए। क्या मालूम हुआ उसके साथ क्या क्या हुआ हो? वो किसके बच्चे की मां बनने वाली हो? वो बच्चा उसके मर्जी का है या उसके साथ रेप हुआ है? बता सकता है तू? लेकिन इसको ऐसा नहीं कर सकते सर, ऐसा नहीं कर सकते आदमी। हरीश की बैंक डिटेल से उसके नए एड्रेस का पता चल गया। अरे ये गायत्री को किसने मारा? अरे तू इतना दिमाग मत लगा। कैसे दिमाग नहीं लगाए, तू ही तो खरीद कर लाया था उससे। अनमोल देख तो कौन आया। कौन है अनमोल? गायत्री तुम्हारे यहाँ काम करती थी? जी, हमारी बहू प्रेग्नेंट है, उसकी देखरेख के लिए हमने उसे काम पर रखा था। 5 दिन से पता नहीं कहाँ चली गई थी, हमें आज ही न्यूज़पेपर में पता चला। वो 5 दिनों से गायब है और आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की? सर मुझे लगा खुद आ जाएगी। उसको सुनील से खरीदा था ना, उसके बदले में पैसे दिए थे ना तुमने सुनील को? नहीं सर, वो गायत्री के लिए पैसे नहीं दिए थे सर, वो मैंने उसे लोन दिया था। झूठ मत बोल, तूने उसको सुनील से खरीदा था, उसके बाद में तूने तेरा मोबाइल नंबर और तेरा एड्रेस दोनों भी चेंज कर दिए। सर वो दूसरा नंबर जामनगर का है ना, वहाँ से बहुत सारे फोन आते रहते हैं इसलिए फोन बंद रखा हुआ था। हमें घर की तलाशी लेनी है। सर आप ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? मुझे मालूम था तुम्हारे जैसा होशियार आदमी ये बोलेगा, इसलिए हम सर्च वारंट लेके आए। दिखा। तलाशी ले। इससे कुछ लेना देना नहीं। लेना देना कैसे नहीं? वो 1.5 महीने से तुम्हारी यहाँ काम करती थी, 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। जो कुछ भी हुआ वो यही हुआ है, उसके मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। गायत्री के साथ कुछ किया? गायत्री के साथ कुछ किया था क्या? किया था ना। वो क्या है ना, आपने भी किया तो मेरा भी मन किया। ए, क्या कह रहा है तू? सर ये पागल है, इन्होंने कुछ नहीं किया है गायत्री के साथ। ये झूठ बोल रहा है साहब। आप कहाँ इस नशेड़ी की बात सुन रहे हैं? सर नशे में कुछ भी गड़बड़ करता है। इन सबको ले चलो, सब पता चल जाएगा किसने क्या किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में ले चलो इनको। और शिरके इन दोनों का DNA टेस्ट कराओ। चलो। जब हम किसी जानवर के साथ रहते हैं तो उससे भी एक लगाव सा हो जाता है। तो फिर चंद सिक्कों के लिए हम किसी इंसान की जिंदगी का सौदा कैसे कर सकते हैं? सुनील गायत्री को कुछ पैसों और काम के लालच पर अपने घर लेकर आया था और फिर अच्छे मुनाफे के लालच में उसने उसे आगे बेच दिया, बिना ये जाने कि वहां उसके साथ क्या होने वाला था, बिना ये सोचे कि गायत्री उसकी बिन मां की बेटी का ख्याल रख रही थी। ताज्जुब की बात तो यह है कि गायत्री का फोन बंद होने के बाद भी सुनील या कंचन में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि गायत्री उस नई जगह पर कैसी है जहां उसके साथ इतने अत्याचार हो रहे थे। तो क्या गायत्री की मौत के पीछे हरीश, अनमोल या उसके ही परिवार का कोई शामिल था, या फिर उसकी मौत की कहानी किसी और ने लिखी थी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ताई के साथ ये सब हो गया। मेरा कोई नहीं है, ताई भी मर गई, अब सगा कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जिंदगी बिताऊंगी? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती थी आप सब ठीक कर देंगे। आप करेंगे ना मुझसे शादी? तुम पागल हो गई है क्या? एक तो तेरी बहन की वजह से जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है, इतनी मुश्किल से बेल मिली है मुझे। ये मत भूल तू इस घर की नौकरानी है, जब तक साथ है हंसी खुशी रहे, तुझसे शादी नहीं कर सकता मैं। तो इतने दिनों से तुम मुझे यूज कर रहे थे। देखो, शादी तो तुमको करनी ही पड़ेगी, वरना मैं पुलिस में जाके सब बता दूंगी तुमने मेरे ताई के साथ क्या किया है। बकवास मत कर तू, एक बच्ची का बाप हूं मैं, ऐसे उठ के किसी के साथ शादी नहीं कर सकता मैं, समझी तू? सर, गायत्री की डीएनए रिपोर्ट आ गई। गायत्री के पेट में हरीश का ही बच्चा था। इसका मतलब अनमोल सही कह रहा था, पहले हरीश ने उसके साथ रेप किया, बाद में अनमोल ने। हाँ सर, मैंने हरीश की बीबी कुमुद के बारे में भी इंक्वायरी की है। सर, प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसने लास्ट हॉस्पिटल विजिट 6 महीने पहले की थी। और सर, यही बात मुझे सबसे ज्यादा खटकी, इसलिए सर मैंने उस क्लिनिक में इंक्वायरी की जहाँ वो 6 महीने पहले जाती थी। सर, पता चला है कि वो माँ बनी नहीं सकती। फिर माँ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? इतने सालों से मैं माँ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई, और डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। फिर नाटक क्यों किया? गायत्री। अरे मालिक, आपको कुछ चाहिए? गायत्री, मुझे जो चाहिए वो तुम ही दे सकती हो। जी, मैं समझी नहीं। मुझे बच्चा चाहिए। भाभी, आप तो खुद पेट से हैं, देखना आपको ना चांद जैसा बेटा होगा। इसे बच्चा ही नहीं हो सकता, ये सिर्फ नाटक कर रही है। हमें हरीश का वंश आगे बढ़ाना है, इसलिए तुम्हें लेकर आए हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। गायत्री, तुम मुझे इनका एक बच्चा दे सकती हो? क्या पाप करने के लिए कह रही है मुझसे? गायत्री, तुम एक औरत हो, और एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे एक बच्चा दे दो। मैं ये नहीं कर सकती, ये पाप है मेरे लिए। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। माँ जी, आप इन्हें समझाइए ना। गायत्री, देखो बेटा, मेरी बात मान जा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन सर, हमें बच्चा चाहिए था। और फिर इन्होंने उसके साथ। और गायत्री ने भागने की कोशिश की, तुमने उसको मार दिया। सर, हमने किसी को नहीं मारा सर। मैं और मेरी बीवी और मेरी माँ, हम लोग बाहर गए हुए थे, और जब घर पर वापस आए ना तो घर में गायत्री थी और ना ही अनमोल। अनमोल? सर, अनमोल के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस रात वो सुनील के घर के पास था। क्या? गायत्री बहुत अच्छी लड़की है साहब। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे बेटे के पास ले चलोगे? आज नहीं, मालिक घर पे नहीं है, आएंगे तो बताता हूँ। अनमोल, एक तुम ही हो ना पूरे घर में, हर वक्त मेरा ख्याल रखते हो। हाँ, तुम इतने अच्छे हो अनमोल। तुम अभी मुझे ले चलोगे सूरज के पास? अभी जाना है? अभी। देख गायत्री, यहाँ यही घर है, मैं तेरा बाहर इंतजार करता हूँ कॉलोनी के बाहर, ठीक है? तो आखिरी बार वो सुनील के घर गई थी। कंचन, कंचन, क्या हुआ? कंचन, क्या निकाल? तूने चुराया? आप ये क्या बोल रहे हो? आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो? एक भी गहना नहीं है, बता कहाँ है? तो मैंने क्या किया? आप ही ने कुछ किया होगा। मैंने क्या? मैं देख के आती हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है और आप लोग फिर से मुझे उठा रहे हैं यहाँ पर। सर, इनके हिसाब से इनके घर से ये सब ज्वेलरी गायब हुई है। तो सारे ज्वेलर्स के शॉप में सर्कुलेट कर दो और उनसे कहो कि कोई अगर बेचना है तो हमें इन्फॉर्म कर दे। ठीक है सर। काफी नुकसान हुआ है आपका, कंप्लेंट ले ली तुम्हारी, अब हमारी मदद करो। बताओ गायत्री तुम्हारे पास आखिरी बार क्यों आई थी? नहीं सर, हमारे घर नहीं। बोल मत। वो तुम्हारे पास आई थी, हमें पता है, वो गुस्से में तुमसे कन्फ्रंट करने आई थी लेकिन तुमने उसको मार दिया। हाँ साहब, ताई आई थी और गुस्से में भी थी। तुमने जानबूझ के मुझे वहाँ बेचा था ना? ताई तू ये क्या बोल रही है? तू जानती है ना कितने अच्छे आदमी है। हाँ मैं जानती हूँ, और मैं जानती हूँ तू ये बकवास क्यों कर रही है, क्योंकि तू इस घर की मालकिन बनना चाहती है ना। अरे तुझे पता नहीं, एक दिन ना ये आदमी तुझे भी कहीं बेच आएगा। बकवास मत कर। मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ मैं बकवास कर रही हूँ। अरे तेरा भांडा तो मैं फोड़ूंगी, सब कुछ बता दूंगी पुलिस को। बता मेरा बेटा कहाँ है? बता मेरा बेटा कहाँ है? ताई तुम ये सब क्या बोल रही है? ताई चुप बैठ। बताओ मेरा बेटा कहाँ है? सब क्या है? क्या बताओ? मैं भी देखता तू पुलिस को क्या बताएगी। तेरा बेटा यहाँ पर है, अगर तूने पुलिस को कुछ भी बता नहीं, याद रखना उसे ऐसे गायब करूंगा ना तुझे पता नहीं चलेगा वो कहाँ है। मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैं सिर्फ उसे चुप करवाना चाहता था क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। सर मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि सर हरीश भाई के घर में उसके साथ वो कह रहा है। सर तो उसके बेटे को उसके साथ जाने क्यों नहीं दिया? सर वो एक्चुअली झूठ मत बोल, समझा ना? तुम लोगों ने उसको डरा के रखा था, उसका बेटा तेरे पास था तो उसको धमकी दे रहा था और वो हरीश सेक्रेटरीट में होने का रौब छाड़ रहा था। वो तुम्हारे पास आई और तुमने उसको मार दिया। अरे नहीं साहब, मेरा कोई लेना देना नहीं है कि सुनील ने खून किया है। तुम लोग मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को मैं। ताई क्या कह रही थी? अरे उसे रोकना होगा, बात आगे बढ़े तो पता नहीं क्या होगा। साहब इसी आदमी ने मारा है मेरी ताई को। सर ये झूठ बोल रही है सर, सिर्फ अकेले मैं पीछे नहीं गया था, ये भी कही थी सर इसी ने मारा उसे। कंचन, कंचन तू कहाँ गई थी? अरे मैं तो आप ही को ढूंढने गई थी, मुझे पहले से डर था ये जरूर कुछ करेगा। सर झूठ, बिल्कुल झूठ सर। अरे मैं क्यों मारूंगी मेरी ताई को साहब, उसने मेरा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि तू मुझसे शादी करना चाहती थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तेरे सपनों में पानी फिर जाता, बस इसलिए। साहब ये झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूं? चुप चुप, यूं ना अंदर जाके झगड़ा करो। एक मिनट सर, मुझे मालूम था आप लोग ऐसा कुछ करोगे सर, इसलिए मैं अपने साथ अपने वकील को लाया हूं। सर आइए, ये मेरे बेल के पेपर्स। मेरी एक छोटी बेटी है घर में जो मेरा इंतजार कर रही है, उसे छोड़कर मैं ऐसे रह नहीं सकता ना सर। बेटा परी, परी कहाँ है तू? परी बेटा कहाँ चली गई? परी, परी कहाँ चली गई? परी, रक्षा बहन आपने परी को देखा क्या? नहीं नहीं देखा। बेन आपने परी को देखा क्या? मेरी बेटी। नहीं भैया मैंने तो नहीं देखा। क्या खेल रही थी क्या? नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा। बेटा मोहन तूने परी को देखा क्या? नहीं अंकल, आज तो खेलने भी नहीं आई। खेलने नहीं आई? हेलो पुलिस स्टेशन। लेकिन ऐसा कैसे आपकी बेटी गायब हो गई? अरे मुझे क्या मालूम कैसे गायब हो गई साहब, आप लोग मुझे सुबह सुबह पुलिस स्टेशन ले गए थे, जब वापस आया तो परी यहाँ पर नहीं थी। घर पे सारी कॉलोनी में ढूंढा सर, किसी को नहीं पता परी कहाँ पर है। पता नहीं चला, क्या करूँ मैं? बच्ची का कुछ पता चला? नहीं सर, 2 दिन हो गए, समझ नहीं आ रहा बच्ची कहाँ चली गई। वैसे उसकी फोटो सभी जगह सर्कुलेट करवा दी है, लेकिन कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। बच्ची कहाँ जा सकती है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री के मर्डर में बच्ची का कुछ हाथ है? मतलब आई मीन बच्ची ने ऐसा कुछ देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कहीं डर के छुप गई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जिसने गायत्री का मर्डर किया उसने परी को गायब किया, या ऐसा भी हो सकता है कि गायत्री के मर्डर में परी का हाथ हो। परी तो बच्ची है सर, एक बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है? तो बच्ची गई कहाँ? गला दबा के मारा गया। असल में तुमने तुम्हारे बेटी को मारकर बेड के बॉक्स में बंद करके रखा था। कैसी बात करें सर, कैसी बात करें? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? उसने देखा होगा गायत्री का मर्डर करते हुए तुम्हें। कोई भी बाप किसी बेटी को मार सकता है क्या? इसको लेके चलो, बॉडी पोस्टमार्टम पे भेजो। एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, सुनील के घर से जो गहने चोरी हुए थे उसे कोई बेचने आया। कौन? साहब मुझे कुछ नहीं पता। तेरे को कुछ नहीं पता तो ये गहने कहाँ से आए तेरे पास? गहने कहाँ से आए? साहब ये गहने मेरे बेटे ने मुझे लाके दिए। इसके बेटे को लेकर आओ। मैंने कितनी बार कहा है तूने गलत किया है, मैं पापा को सब बता दूंगी। तू वो सब छोड़, तू बैठ। हाँ ये देख, मैं तेरे लिए लड्डू लाया हूँ, तुझे पसंद है ना? ये खा, मैंने भी खाया है, बहुत मस्त है। ये ले। मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूंगा। मैं उनको सब कुछ सच बता दूंगा। अब खुश है? ये ले, ये खा। आप परी दोस्त थी मेरी, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। फिर क्यों मारा? परी की वजह से, मेरी आई अच्छी नहीं थी। उसने सुनील अंकल के घर से जाने के बाद मुझे एक फोन तक नहीं किया था। फिर मुझे एक दिन वो नौकर दिखा, मैं उसका पीछा करते करते घर तक चला गया। मुझे बस खुश कर दे, तुझे रानी बना के रखूंगा। बहुत गंदी थी वो, और वो उस रात मुझसे मिलने भी आई थी। सूरज चल यहाँ से मेरे साथ। नहीं, तू गंदी है, दूसरे लोगों के हाथ सोती है। तूने पापा को धोखा दिया है और तू मुझे भी छोड़ के गई थी। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? मैं तुझे सब कुछ बता दी, तू बस चल यहाँ से मेरे साथ। नहीं सूरज, आई सूरज, आई मैं तेरे साथ चलूंगा। ठीक है चल, हाँ चल। लेकिन मेरे पास तो एक ही टिकट है और पैसे भी नहीं है। सुन, तू एक काम कर, ये जो पीछे वाला दरवाजा होता है ना जहाँ से अंदर आते, तू ना चुपचाप से अंदर आ जा। ये देख, मैंने तेरे लिए दाबेली लाई। मैं खाया? हाँ तू खा। परी ने मुझे आई के पीछे जाते देखा था, और जब उसे पता चला आई को किसी ने मार दिया है, वो मेरे पीछे पड़ गई कि वो अपने पापा को सब सच बता देगी। फिर मैंने सुनील अंकल के घर से गहने चुरा कर उसे दे दिए। ये सब आई की वजह से हुआ। मेरी आई बहुत गंदी थी, बहुत गंदी साहब, बहुत गंदी थी वो। तुम्हारी आई गंदी नहीं थी, तुम्हारी आई ने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बिल्कुल फंसाया नहीं था। अरे वो तो खुद किस्मत की मारी थी, वो तो खुद तुम्हें अच्छा भविष्य देना चाहती थी, और उसके लिए उसने क्या किया, क्यों किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, ये समझने के लिए तुम बहुत छोटे हो। तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारी आई बिल्कुल गलत नहीं थी और तुमने उसे मार दिया। और उसके जाने के बाद उसके साथ कम से कम नफरत तो मत करो। भले ही गायत्री की हत्या सूरज के हाथों हुई हो, लेकिन उसके गुनहगार और भी बहुत से लोग थे। हर इंसान अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन हरीश ने अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए जो गायत्री के साथ हैवानियत दिखाई, उसके लिए उसे जितनी कड़ी सजा मिले वो कम है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।